तो सर्विस सेंटर वाले छोड़ते नहीं है काटने के लिए, जब इनको मौका मिलता है तो ये काटते जरूर है। नजर जरूरत है कोटिंग की, अभी तो ठीक ही है, बाकी आप तो बारे में कहोगे मार दो फिर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है 29 मई और आज मैं अपनी गाड़ी की सर्विस करने जा रहा हूँ 30,000 किलोमीटर की। ऑलमोस्ट चली गई है, 29,237 चल चुकी है, 700 किलोमीटर बचे हैं। बट ये है कि बार बार फोन आ जा रहा है वहाँ से सर्विस सेंटर से कि आपकी एक्सटेंडेड वारंटी है वो खत्म हो जाएगी अगर आप टाइम पर सर्विस नहीं कराएंगे। तो जाते जाते सुबह से हो गया एक, तो अब चलते हैं देखते हैं कितना बिल बनता है। बार बार वो कह तो रहे हैं कि ऑफर मिल जाएगा, अभी आपको लेबर पे 35% का डिस्काउंट हम करवा देंगे अगर आप आज करवाते हो तो। मैंने कहा सर्विस तो करवानी है, केदारनाथ से आए थे अभी तो, एक दो आवाज़ भी आ रही है गाड़ी में वो भी चेक करवानी थी। तो बाकी अभी देखते हैं, गर्मी भी इतनी हो रही है तो पीक आवर में निकल रहा हूँ बिल्कुल 1 बजे, ताकि 1:30 बजे तक पहुँचूँ आराम से, वरना लंच में पहुँचने का कोई फ़ायदा नहीं था, वेट तो फिर भी करना पड़ता। तो जो मेरी 20,000 वाली सर्विस हुई थी उस पर बिल बनाता है अप्रॉक्स 5-6,000 रुपये के आसपास, तो इसमें देखते कितना बिल बनता है 30,000 वाली से। मुझे थोड़ा पिकअप में भी थोड़ा लो लग रहा है पिकअप, देखते क्या क्या कमी बताते हैं सर्विस सेंटर वाले। और गर्मी इतनी पड़ रही है और कि एसी फेल हो रखा है पूरा, बिल्कुल लो टेम्परेचर पर किया हुआ मैंने, फिर भी मैंने 15 मिनट गाड़ी स्टार्ट करके छोड़ दी थी एसी ऑन करके ताकि फिर ठंडी हो जाए, बट कुछ खास फ़र्क पड़ा नहीं है एसी। एसी को बंद कर देता हूँ, बट कुछ खास फर्क पड़ा नहीं है एसी पे, बस जहाँ मैं बैठा हूँ जहाँ तक हवा आ रही है बस यहाँ तक ठंडा है, उसके बाद में यहाँ पे कर रहा हूँ हाथ साइड में तो यहाँ पे गर्म गर्मी है। तो मैंने भी आश्रम क्रॉस कर लिया, बाकी यहाँ तो ट्रैफिक ही ट्रैफिक दिखा रहा है, देखते कितने देर लगती है पहुँचने में और कितनी देर में नंबर आता है। वैसे तो वीक डेज है आज, वेनसडे है, ज़्यादा पब्लिक तो नहीं होनी चाहिए, बाकी नंबर तो लगा के रखते ही हैं लोग, सुबह सुबह पहुँच जाते हैं बहुत से लोग मैंने देखे हैं। तो चलते हैं देखते हैं कितना बिल होता है क्या बनता है। मैं सोच रहा हूँ अंडर बॉडी कोटिंग भी कराऊँ जो एंटी रस्टिंग होती है, जो मैंने लास्ट से लास्ट ब्लॉग में करवाई थी 10,000 रुपये तो करवाई थी मैंने, तो वो उसमें ऐसा होता है कि हम उसको हर बार करा सकते हैं, हर सर्विस पे बार बार करा सकते हैं कोटिंग अगर हमें लगता है कि वीक हो रही है। तो अभी चलते हैं और देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। दोस्तों देखो गर्मी की वजह इतनी गर्मी है कि एक ट्रेलर इतनी भरी होती है मेरे जाम से ट्रैफिक से, मगर इस टाइम पे पूरी खाली पड़ी हुई है, इतनी गर्मी हो रही है बाहर। गाड़ी ने भी कूलिंग करना काफ़ी कम कर दिया है वैसे तो, बट दिखाएंगे क्या पता ऐसी गैस वैस कम हो गई हो कुछ, तो जाके टेस्ट कराते हैं और देखते क्या निकलता है निष्कर्ष। जरूरत है कोटिंग की, अभी तो ठीक ही है, बाकी आप तो बारे में कहोगे मार दो फिर। पिछली बार भी नहीं हुई थी ना, पिछली से पिछली बार। तो गाइस 7:30 बज चुके हैं, 7:30 बजे गाड़ी की सर्विस हो चुकी है कंप्लीट, बहुत टाइम लग गया, मैं 1 बजे आया था, 1 बजे से लेके 7 बज गए पूरे।
और बिल बनाया मेरा 6,000 रुपए का, मतलब 6,200 रुपए का बिल बनाया है, और जिसमें कि इंजन ऑयल चेंज हुआ है सिर्फ, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, एसी फिल्टर, और बाकी स्कैनिंग करिए, स्कैनिंग के 500-600 रुपए इन्होंने लिखे हुए हैं, और तो बाकी छोटी मोटी चीजें हैं, बाकी तो मैंने वो लिए विंडशील्ड वाइपर के जो होते हैं फ्लश साफ करने के होते हैं, शैम्पू टाइप के होते हैं वो लिए हैं, और ज्यादा कुछ लिया नहीं, पता नहीं 6,000 रुपए का बिल इन्होंने कैसे बना दिया, जबकि 35% डिस्काउंट भी इन्होंने मुझे दिया है लेबर पे, बट फिर भी इन्होंने इतना बिल बना दिया, मुझे लगा था कि वही होगा 5,000 रुपए के अंदर अंदर, 5,000 के अंदर अंदर हो जाएगा, मगर ये है कि वही करते करते इन्होंने 6 पहुंचा दिया, वो भी डिस्काउंट के साथ, डिस्काउंट लगने के बाद में है ये चीज। तो सर्विस इसकी देखा जाए तो ठीक है, बट अगर मान लो कूलेंट बदलता और इंजन ऑयल तो चलो बदलता ये सिंथेटिक डलवा दे तो मतलब 10,000 तक पहुंचता इसका हिसाब किताब पूरा, तो नॉर्मल सर्विस में सिर्फ जिसमें इंजन ऑयल चेंज हुआ है उसमें भी 6,000 रुपए पहुंच चुका है, तो सर्विस सेंटर वाले छोड़ते नहीं है काटने के लिए, जब इनको मौका मिलता है तो ये काटते जरूर है।